helped it. Hello, Captain. हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, बस आ ही गए। हाँ बस यहाँ ले आओ, जल्दी करो। हाँ बस बस, ठीक है ले आओ, आराम से यहाँ रखो। एक दो तीन, यहाँ रखो। हेलो सर, मेरा नाम है डॉक्टर कमिंस और मैं आपका इलाज करूंगा। ठीक है, तो आपके पेट में 3 गोलियां लगी हैं। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? नर्सरी राइम लगती है। अब मुझे ये गोलियां निकालनी होंगी, कस के पकड़ लो। अच्छा तैयार हैं आप? पहली गोली, अब निकालेंगे दूसरी। बस हो ही गया। दूसरी। अरे गोली तो टूट गई, बचा हुआ हिस्सा फिर से निकालना होगा। अब आखिरी गोली। एक मिनट, इसमें कुछ और भी है। तैयार, ये निकल रहा है। निकल गया। ये गोली जामन तो नहीं है? कैसे है वो? ठीक नहीं है मैम। Charlotte, देखो मेरे पास क्या है। एडवर्ड, वो मेरी बुक है, मुझे वापस दो। वापस दो। एडवर्ड, बंद करो ये सब। Charlotte, आराम से। बहन को चिढ़ाना बंद करो बेटा। लाजवाब है। थैंक यू। अनीस, मेरे लिए जरा पानी गर्म कर दोगी? मुझे नहाना है। जी मैम।
Acest din orcintul gata. Este sigur? Vine o furtună. Trebuie să fim gata. Ne-am protejat de generații și ne-a protejat de generațiile. उनका दावा है कि वो जमीन उनकी है। किसी ने पता किया इस दावे में कितनी सच्चाई है? मुमकिन है कि आज से 80 साल पहले ये जमीन उनके नाम हुई थी। हालांकि ये भी सच है कि उन दस्तावेजों में हेर फेर करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। किसी ने उनसे सौदा करने की कोशिश की? वो बंजारे हैं शेमस। उनके मुताबिक हमारी जमीन का ज्यादातर हिस्सा उनका है, जिसे छोड़ने की कीमत हम चुकाने को तैयार थे, और रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। पर उन्हें जमीन चाहिए। यह तो नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो हम सभी को नुकसान होगा, तो जो मैं कहने वाला हूं वो शार्लेट एडवर्ड, जाओ यहां से, जल्दी जाओ यहां से। थी उसे हम पेशेवर हथियारों को देकर उन्हें वहां से हटवा सकते हैं, और जितना मैं जानता हूं बंदूक की नोक पर कुछ भी मुमकिन है। Thank you.
इधर आ जाओ। ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। ये इस औरत के पास मिला। साली ये पहनकर मुझे काटने वाली थी। काटा क्या? ना। तुझे लगता है तू जादू टोने के बल पर हमारे इलाके की जमीन हड़प लेगी और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? इसकी मौत मिसाल होनी चाहिए, एक चेतावनी। इसके लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। इस औरत के साथ इसे भी दफना देना। पक्का? चांदी है, अच्छी कीमत मिल जाएगी। इसके बदले कीमत नहीं, मौत मिलेगी। Pizzi, vomo travi, somnul pune condelsun. Pe un an intulecata. Avia tut veisti. Asta este muerta. Le jau in hei hase. Ajo! Ise vaha rakho. Ab, tujhe badhiya sa coat pehnate. Ye lo. Ise zara pehen lo. बहुत बढ़िया हो गया। तुझे ठंड से बचाने का इंतजाम तो करना ही था ना। तू काफी वक्त तक खुले में जो रहने वाला है। अब तुझे पता चलेगा मेरे कैप्टन से अपनी घटिया जुबान लड़ाने का अंजाम। तुझे जरा नकाब भी लगा देते हैं। चल बुढ़िया, चुप कर। चलो अब सोने जाओ। के लिए कमरा चाहिए। पहले यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी। लिखो कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो और तुम्हें यहाँ क्या काम है। ये यहाँ के नियम है। इस इलाके में बंजारों को देखा गया है क्या? जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर तुम अपना काम लिखो। इसके अलावा कमरे के साथ खाना और शराब भी मिलेगी। जाकर बैठो, तुम्हारे लिए खाना भेजता हूं।
काफी जल्दी आ गए। मेरी खबर कैसे मिली? तुमने आते बंजारों के बारे में पूछा और रजिस्टर में अपना पेशा पैथोलॉजिस्ट बताया। उनसे एक अच्छे हवलदार के पास इससे बेहतर काम नहीं होते क्या? मैं लेफ्टिनेंट हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रमोशन, बहुत सही जा रहे हो। रेवेनो के हादसे के बारे में सुना, बुरा हुआ। अब कैसे हो? कितने दिनों तक यहाँ? हमें एक अच्छे पैथोलॉजिस्ट की जरूरत है, पिछला वाला कॉलरा से मर गया। जब कॉलरा के अलावा तुम्हें किसी भी चीज पर निगरानी नहीं रखनी तो तुम्हें पैथोलॉजिस्ट की क्या जरूरत है लेफ्टिनेंट? जाएगी। चलो, क्या हुआ था? चार दूल्हे राजा के, पांच के शादी के, छह नन्हे मुन्ने के, सात उशाब के, जो चांदी के हैं आठ, सोने के हैं नौ, भेड़ियों के लिए दस। चलो टीमें, तुम्हारी बारी। एक पैसा रोने का, दो पैसे हंसने के, तीन प्यारी दुल्हन के, चार दूल्हे राजा के, पांच उनकी शादी के, छह नन्हे मुन्ने के, सात। मैंने उसे देखा है। किसे देखा है? आगे बढ़ने से पहले प्रॉमिस करो कि तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे। अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो मेरे परिवार को गांव से निकाल देंगे। प्रॉमिस। सभी का। हम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, बड़ों ने मना किया है। जिस रात इस खेत में आग लगी थी उसके बाद उन्होंने मना किया है, लेकिन उस रात से किस किस को स्केयरक्रो और चांदी के दांतों का सपना आया है। चलो उस बॉक्स को निकालते हैं। तू डर रहा है? मैं डरता नहीं। झूठ मत बोल, भीगी बिल्ली। मत छेड़ो उसे। क्यों, तुम खुद कर निकालोगी? इतने बहादुर हो तो खुद ही निकालो। ठीक है, निकालता हूं। नहीं चिमी, रुक जाओ। चिमी।
मत करो ऐसा। उसे छूना मत अडी। शार्लेट क्या बात है, बताओ ना क्या हो गया। डॉक्टर को लेकर आओ। क्या हो गया, क्या हुआ इसे? फिक्र मत करो बेटा, मम्मा है ना। यहाँ इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? दरअसल रोशनी इसकी आंखों को चुभ रही थी। अच्छा चलो देखते हैं हुआ क्या है। लगता है एडवर्ड को किसी जंगली जानवर ने काट लिया है। घाव में इन्फेक्शन हो गया है, साथ ही उसे बुखार भी है। मैंने पट्टी कर दी है और उसे दवा दे दी है ताकि उसे आराम आ जाए। मैं एक दो दिन में फिर आऊंगा उसे देखने। शुक्रिया इस तरफ। शुक्रिया डॉक्टर। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। एडवर्ड एडवर्ड एडी अंदर एडवर्ड को कुछ हो रहा है। यही रुको। एडवर्ड
एडवर्ड मौल गया है। एक और प्रमोशन की शेखी बगाड़ने आए हो क्या? एक जमींदार की हवेली है, आधे दिन की दूरी पर। उन्होंने बुलाया मुझे अपने गुमशुदा बेटे की तलाश के लिए। तो इससे मेरा क्या लेने देना? उस तरफ कुछ ही वक्त पहले बंजारों का एक हादसा हुआ था, शायद तुम्हारी तलाश के कोई पहलू सामने आ जाए। एडवर्ड के साथ खेत में क्या हुआ? तुम्हें याद नहीं? मुझे बस वो चांदी के दांत याद है और फिर एक भयानक सपना और फिर जमीन पर मेरी आंखें खुली। उन दांतों से तुमने एडवर्ड को काटा था। तुमने या बाकी उन्हें किसी को बताया तो नहीं? नहीं, हमने वादा किया था, याद है? और यहूदा ने पूछा, अगर मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूं तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? और तब उन्होंने उनके सामने 30 चांदी के सिक्के रखे। वो वही चांदी थी जो यहूदा को दी गई थी। इसे रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। वो चांदी कहाँ है? यही है, इस पाक जमीन पर। मैंने सपने में आंख की लपटें देखी थी। हम सभी को अपने बड़ों के पापों की कीमत चुकानी होगी। हम में से कोई नहीं बचेगा। शार्लेट, टीमी को क्या चाहिए था? Thank you.
कैसे हैं सर? आइए मेरे साथ आइए। मिस्टर लॉरेंस बस आते ही होंगे। Gentlemen, Seamus Laurent. Lieutenant Alfred Molière. ये pathologist है. John McBride. अगर आपको रुकना पड़े तो guest rooms तैयार हैं. Mr. Laurent, आपने पैगाम भेजा था कि आपका बेटा गुम हो गया, जल्दी कुछ करना होगा. हाँ, पर पैगाम भेजने से अब तक हालात और बिगड़ चुके हैं. जांच से पता चला कि इसकी मौत किसी जंगली जानवर के हमले से हुई है। जंगली जानवर? घाव की गहराई और काटने के तरीके से तो भेड़िया लगता है। ये कौन है? एडम का बेटा है। और आपका बेटा अब भी गायब है। हाँ चलिए ठीक है, मुझे थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। सिर्फ रिपोर्ट? यहाँ एक लड़के पर जंगली जानवर का हमला हुआ है और आपका बेटा गुमशुदा है। मेरी बातों का बुरा मत मानिए, लेकिन पूरे देश में कॉलरा फैलता जा रहा है, हजारों लोग मर चुके हैं, कई शहरों के गेट बंद हो गए हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। माफ कीजिएगा, मैं और कुछ नहीं कर सकता। पर मैं यहां कुछ दिन रुकना चाहूंगा, दिक्कत ना हो तो। आपका बेटा मिल जाए तो बताइएगा। आप इस लड़के को जानते थे? मेरा बेटा एडवर्ड और बेटी शार्लट अक्सर गांव के बच्चों के साथ खेला करते हैं। और आपको उस दिन के बारे में क्या याद है जब एडवर्ड लापता हुआ था? बच्चों का सारा झुंड एडम के बेटे के साथ जंगल गया था। पता नहीं क्या हुआ और एडवर्ड जख्मी हो गया, और जब हम उसे घर वापस लेकर आए उसका बदन तप रहा था। जंगल में किसी ने एडवर्ड पर हमला किया था। जानवर ने? वो दांत के निशान थे उसकी गर्दन।
हाँ, ये काम किसी जंगली जानवर का ही हो सकता है। और शार्लट इतने सदमे में थी कि हमें कुछ भी बता नहीं सकी। देर रात जब मैं उसका हाल देखने गया तो उसका बिस्तर खाली था और घर में वो कहीं भी नहीं मिला। तब से हमने उसे नहीं देखा। कुछ दिनों बाद जंगल में एडम के बेटे की लाश मिली। मिस्टर मैकब्राइड, गांव के लोग दहशत में हैं। वो मेरे लिए काम करते हैं और उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इस मुसीबत के हल की उम्मीद उन्हें मुझसे है। ये है मेरी पत्नी इजाबेल और ये मिस्टर जॉन मैकब्राइड। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिसेस लॉरेंस। मुझे सुनकर अफसोस हुआ कि आपका एडवर्ड लापता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो भाग गया? नहीं एडवर्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो तो काफी खुश मिजाज बच्चा है। हमने उसे हर जगह ढूंढा है। हम अब भी उसकी तलाश में ही हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए। जी बिल्कुल, मैं उसका कमरा देख सकता हूँ। आइए। हमें चादर को धुलवाना पड़ा। एडवर्ड की हालत ठीक नहीं थी। मुझे बाकी का घर दिखाएंगी? क्यों नहीं। जब मैं नीचे आया यह दरवाजा खुला हुआ था। हमें नीचे की सारी खिड़कियों को बंद करके ढकना होगा। क्यों? बस एहतियात बरतने के लिए।
क्या हम मरने वाले हैं? नहीं बेटा, खाने के वक्त ऐसी बेहुदा बातें नहीं होनी चाहिए। मिस्टर मैकब्राइड यहां एडवर्ड को ढूंढने के लिए ही आए हैं, तो जज्बात में ना बहते हुए हमें अपने हौसले बुलंद रखकर उनकी मदद करनी है। चलो अब खाना खाओ। McBride, Seamus, rifle ले आओ। जानवर घर में घुसने की कोशिश क्यों करता है? तुम्हें मेरे लिए कुछ चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहां? कह नहीं सकता जब तक मैं शिकार के लिए जाल ना बिछा लूं। उसका शिकार करोगे? हाँ। मुझे गांव के बुजुर्गों को तुम्हारे प्लान्स बताने होंगे। इस इलाके की सारी जमीन हमारी है। उन्हें कहना हथियारबंद पहरेदार के बगैर ना आए। जेंटलमैन, आप सभी जानते हैं कि हम किन हालात की वजह से यहां इकट्ठा हुए हैं। गांव का एक बच्चा मारा गया और मेरा बेटा एडवर्ड लापता है। मिस्टर जॉन मैकब्राइड उस जानवर को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे जिसने उस बच्चे की जान ली है। आपको यकीन है कि यह किसी जानवर का ही काम है, ना कि किसी पागल हत्यारे का? लाश की जांच पड़ताल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मौत की वजह किसी जंगली जानवर का हमला है। और यह किस जानवर की हरकत हो सकती है? भेड़िया। तुम एक पैथोलॉजिस्ट हो? हा? जी हाँ। क्या मतलब होता है इसका? हमारा जिस्म मौत के बाद भी बहुत कुछ बताता है। मैं सुनता हूं। तो फिर तुम्हें शिकार क्यों करना है? आप सभी ने जेविडों के वहशी जानवर के बारे में सुना तो जरूर होगा। दरअसल उस वक्त फौज में मेरी पोस्टिंग वहीं पर थी। जो जेविडों में हुआ यहां भी वही हो रहा है? देखकर तो ऐसा ही लग रहा है।
तब तो ये फौज का काम हुआ पर खुरदार। देखिए बदकिस्मती से फौज यहाँ पर तभी आएगी जब ये साबित हो जाए कि यहाँ पर वही हो रहा है जो जेवेडॉम में हुआ था। तो तुम कहते हो कि खेतों में कोई न जाए और घर की खिड़कियां बंद ही रखें। ऐसा कर ले तो बेहतर होगा। जब तक वो हथियारा पकड़ा नहीं जाता हमें खेतों में नहीं आना चाहिए। शिकायत से कोई फायदा नहीं, हमने एक जिम्मेदारी ली है, उसे निभा के ही हम घर जा सकते हैं। ठीक है जेकब, तुम बाहर से चालू करो, हम अंदर से करते हैं और फिर मिल जाएंगे। अपनी आंखें खुली रखना और आसपास ही रहना। ठीक है जेकब, 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 बस यही मिला। एन मरी खेत में कैलम और जेकब के साथ काम कर रही थी, उसने किसी तरह गांव पहुंचकर सबको इत्तला किया। हम यहां पहुंचे तो न कैलम था न जेकब। क्या उस लड़की ने देखा था हमला किसने किया? वो फिलहाल वो सदमे में है, बहकी बहकी बातें कर रही कहा है। कहा क्या उसने? उसका कहना है वो एक ड्रैगन था, उसकी हालत खराब है, उसका काफी खून बह चुका है। उसे काट लिया? कहाँ है वो?
वो अभी तक तो यही थी। निकालो सबको यहां से, हम खेत या गांव में उन्हें नहीं बचा सकते, यहां कोई महफूज नहीं है। और कहां जाए? चर्च ले जाओ उन्हें, दरवाजे पर आड़ लगा देना। खाना पीना लाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ हथियार बंद पहरेदारों की निगरानी में। यह बहुत जरूरी है कि वो उसकी नजरों में ना आए। नजर में? किसकी नजर में? शेमस, तुम और तुम्हारे लोगों का शिकार हो रहा है। पानी, मुझे पानी चाहिए। सॉरी, नींद उड़ गई। हाँ, मेरी भी। वाइन? हाँ। एडिथ कौन है? मेरी बीवी। आपके बच्चे भी? अरसों पुरानी बात लगती है। तो अब वो तुम्हारे साथ नहीं है? हमारी पोस्टिंग जेवेडॉम में हुई थी, वहां पर एक भेड़िए का आतंक था। पहले हफ्ते में 2 लोगों की जान गई थी, दूसरे हफ्ते 6। उसके बाद आर्मी को बुला लिया गया था। कहा जा रहा था कि वो भेड़िया कुछ लोगों का दिया हुआ श्राप है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो ताजे खून से सना हुआ था, ठीक हमारे गांव के बाहर। लेकिन जब तक मैं वहां वापस लौटा, देर हो चुकी थी। उस वैश्य ने 13 लोगों की जान ले ली थी। मेरी बीवी और बच्ची भी उनमें शामिल थे। बहुत अफसोस हुआ। क्या वो भेड़िया कभी पकड़ाया? कुछ ही वक्त के बाद बंजारों का एक डेरा जेवेडॉ में आया। उन्होंने कहा कि श्राप का मकसद पूरा हुआ और अब इसे चांदी में कैद कर लेना होगा। फिर वो नॉर्थ वेस्ट चले गए और लिमोजीन में उनका नामो निशान नहीं मिला। बंजारों का दावा था कि ये जमीन उनकी है, मेरे पति और बुजुर्गों की नहीं। बहुत हुआ, यहां श्रापों की बात नहीं होगी। तुमने सभी को चर्च में बंद कर दिया है, खेतों का सारा काम बंद पड़ा। अगर तुम यहां मदद करने आए हो तो उतना ही करो।
मुझे बस इस जानवर या भेड़िया ये जो भी है उसकी मौत चाहिए। मैं कल ही जाल बिछा दूंगा।
गॉड, आखिर यह है क्या चीज? जेंटलमैन, एक बात जान ले, यह आसान नहीं होगा। ये तो एन मरी है। हाथ मत लगाना, वो मर चुकी है। ये तुम्हारी एन मरी नहीं है। इसका भला करना चाहते हो तो इसे मुक्त कर दो सॉल। जब ये बच्ची थी तब से मैं इसे जानता हूं। सॉल, 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 आई एम सॉरी, सॉल, सॉल, छोड़ दो अभी क्या भी। क्या मेरे बच्चे का भी यही हश्र हुआ होगा? इसाबेल को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं हाथ जोड़ता हूं। और किस किस बारे में उसे नहीं पता? तुम्हें सपने आते हैं शेमस? जेवडॉन की मिट्टी शापित हो चुकी थी। रात में सबको एक ही सपना आता था। कौन है वो? क्या? जो औरत खेत में दफन है। कौन औरत? मैं कुछ नहीं समझा। इस मिट्टी पर उसका श्राप है। क्या बकवास है? तुमने अभी जो देखा क्या बकवास था? वो सपने, वो जानवर। श्राप तुम्हें मिला था और शुरुआत एडवर्ड से हुई। एडवर्ड? उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो जाने लेगा और लेता रहेगा। नहीं, एडवर्ड बेगुनाह। अगर हमले में कोई जिंदा बच गया तो वो भी वैसा ही बन जाएगा जब तक बदला पूरा नहीं होता। बदला? जो इसने मेरे परिवार के साथ किया उसका बदला मैं इससे लूंगा। इसे शुरू मैंने किया था, मैं ही खत्म करूंगा। इसका शिकार करके हमेशा के लिए यह मुसीबत खत्म कर दूंगा। अब जला दो इस चीज को, जो भी कहते हो उसे। मशाल ले आओ। इज़ाबेल, तुम्हारे खेत में दफन औरत कौन है?
ये एक लौती ऐसी ट्रॉफी है जो ड्रॉअर में बंद है और दीवार पर नहीं टांगी गई। जिसे दफनाए थे उसका पता लगाना होगा। हम सभी ने उस चांदी का सपना देखा है जिससे जगह शापित है। टिमी की लाश पर मुझे बाइबल का एक पन्ना फटा हुआ मिला था। उसे चांदी के बारे में कुछ तो पता था क्योंकि एक पैसेज में निशान लगा हुआ था। जैसे चांदी भट्टी में पिघलाई गई है, वैसे तुम भी उसके साथ पिघलाए जाओगे और तुम जानोगे कि मैं स्वयं ईश्वर ने तुम पर अपने प्रकोप की वर्षा की है। Ezekiel 22:22 शार्लेट, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? कोई भी बात? और यहूदा ने पूछा, अगर मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और तब उन्होंने उसके सामने 30 चांदी के सिक्के रखे। जो चांदी सपने में दिखती है, तुम्हारा मानना है कि वही चांदी है जो यहूदा को दी गई थी? कहां है वो चांदी? दरवाजा खोलो। हम तुम्हारी हिफाजत की दुआ कर रहे थे। कुछ आदमी शेमस के साथ उस जानवर के शिकार पर निकले हैं। शेमस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, पर इसे रोकने का एक जरिया जरूर है। शार्लेट, कहाँ है वो? सोल, मोलियर को पैगाम भेज दो, फौज को जल्द से जल्द यहां आने की जरूरत है। और हाँ, मुझे एक लोहार चाहिए।
कल से निकलते ही फिर कोशिश करेंगे। इजाबेल, इजाबेल, मेरी बीवी को देखा कहीं? नहीं सर। तुम्हें क्या हो गया, बीमार हो? नहीं, मैं ठीक हूं। जाओ हाथ मुंह धो लो। एक सौ, दो सौ, तीन सौ, चार सौ, पांच सौ, कोई लापता है क्या? सब तो यही है, क्या हो गया? मेड कहाँ है? मेरे ख्याल से तुम जा सकते हो। शार्लेट जाओ बेटा अपने कमरे में। कल मिलेंगे। नहीं रुकिए, हमें जॉन की जरूरत है। हम सुबह फिर शिकार पर निकलेंगे और ये सब खत्म कर देंगे और खाली हाथ वापस लौटेंगे जिस तरह आज लौट आए, बिल्कुल वैसे जैसे फौज जेविडों में कोशिश करती रही। वो तुम्हें मारना चाहते शेमस, और तुम्हारे परिवार को मरना या काटा जाना एक ही बात है। तुम्हें उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया। ये जमीन उन बंजारों की थी, है ना? ये मेरी जमीन थी और तुमने छीन ली उनसे। और मैंने अपना बेटा खो दिया। और अब तुम लालच की कीमत जान गए। तुम जैसों के गुनाहों की वजह से मेरी बीवी और बच्ची को कीमत चुकानी पड़ी। प्लीज, मुझे सिर्फ मेरा एडवर्ड चाहिए। अच्छा, आप अपने पति से क्यों नहीं पूछती वो कहां है? निकल जाओ। जानते हो शेमस, अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं उस राक्षस की तलाश में हूं जिसने मेरे परिवार को मारा, पर अब मुझे पता चला मैं कितना गलत था। मैं सिर्फ एक केयर टेकर हूं जिसे उन सभी को वापस बक्से में डालना है इससे पहले और किसी बेगुनाह की जान जाए। फौज के आने तक मैं यही रुकूंगा। एडवर्ड याद आ रहा है। आज आप मेरे साथ सो सकती हैं? बिल्कुल बेटा। हाँ, 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 हाँ,
अनीस, अनीस शेमस को देखा क्या? शेमस बाहर चला गया, वो बाहर चला गया। देखो
शार्लट को ढूंढो, घर में आग लग गई है, जल्दी। शेमस, वो अनीस थी, मार दिया उसे। हर रात मुझे सपने में अंगारे दिखते हैं जॉन, उसने मुझे काट लिया है। इजाबेल और शार्लट से कहना कि मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, जल्दी चलो। रुको, शेमस कहाँ है? हमें जल्दी से चर्च पहुंचना होगा, वही एक महफूज जगह है। चलो 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 चलो। Charlotte, आवाज़ मत कर।
मेरे पीछे ही रहना और चर्च की तरफ आगे बढ़ो। चलो इधर। बंद कर दो। क्या हो गया? हवेली में आग लग गई है। और शेमस? वो नहीं बच पाया। हम भी मुश्किल से पहुंचे हैं। वो रास्ते भर पीछा कर रहा था। तो हमारे अलावा और कोई नहीं बचा? हाँ। तो अब क्या करना चाहिए? इंतजार। इंतजार? किस बात का? नहीं, थक गया हूं इस इंतजार से, छुपने से। क्या हम भेड़ हैं? अगर जिस वैशी ने मेरे बच्चे को मारा था वो बाहर ही है तो मैं कहता हूं वहीं जाकर मार देते हैं साले को। दरवाजे की उस तरफ मौत खड़ी हुई है। तुम यहां कैसे पहुंच गए, वो भी जिंदा? मेरे पास कुछ है जिससे वो डरता है। क्या? मेरी गोली चांदी की है, पर हमें दिन का इंतजार करना होगा, उसे खुले में लाना होगा ताकि निशाना चुके नहीं। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने मोलियो को पैगाम भेज दिया, सुबह तक फौज यहां आ जाएगी। बहुत अच्छे, आराम कर लो, आज की रात लंबी होने वाली है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे बच्चे का है। शेमस के साथ क्या हुआ था? अनीस ने काटा उसे। जब मैं उस तक पहुंचा वो पूरी तरह जख्मी था। उसने कहा था शार्लेट तो तुम्हें कहना कि उसे माफ कर दे। क्या एडवर्ड भी इसी का शिकार हो गया? कह नहीं सकता। मेरे लोगों के पापों ने हमें भी मैला कर दिया, पर अब मैं आपके पास एक मां के नाते आई हूं जो अपने गम के बोझ तले तपी जा रही है। अगर मुझसे कुछ हो सके तो बताइए, रास्ता दिखाइए, मैं भीख मांगती हूँ। अगर कोई उम्मीद है तो दया कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मामा।
मामा। इसबेल, एडवर्ड, बीच में से हट जाओ। मामा मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। नहीं, माफ करना। ये सब चर्च में गिरे हुए मिले। इसे कुछ भी याद नहीं है। एडवर्ड, बेटा,
तुम्हारी बहन और तुम अब मेरे साथ ही रहने वाले हो, ठीक है? इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है बेटा। चलो फिर बैठ जाओ। शार्लट, शार्लट, वक्त हो गया।